हमारा नाश्ता वास्ता हो गया, पराठे चाय हमने खा लिया है, पी लिया है, और अभी निकल रहा था मैगी बनाने के लिए। ये देखिए कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6 10, इतना सारा पूरा पैकेट उठा के लाया है। तो हम लोग जा रहे हैं बनाने के लिए मैगी, साथ में ना पूजा। ये देखिए तो प्याज टमाटर मिर्ची सब काट दी है, और मम्मी ना मैं आई नहीं तो उससे पहले बोल दिया था मम्मी मेरे लिए चूल्हा बना देना, तो मम्मी ने चूल्हा बना दिया। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर यहाँ पे पेड़ के नीचे ना, यहाँ पे जाके मैगी बनाने के लिए जा रही। मैगी मैं बनाऊंगी, पूजा कट कर दी है सब कुछ, कढ़ाई में देखिए तो लेप लगा दिया मिट्टी का, और बस चलते हैं। चलिए बढ़िया से टेस्टी से मैगी बनाते हैं, यहाँ पे पेड़ की छाँव में मैगी बनाते हैं फिर खाते हैं। और ये देखिए खाने वालों की जनसंख्या, सबसे पहले मैं महिला करी, जल्दी बना के दो, 1 2 3 और दो चार लोग सूंघते सूंघते आ जाएंगे, प्रीति है माया उधर से भी आ जाएंगे, इतने सारे लोग हैं बाहर दिख रहे हैं, ये सभी लोग खाने वाले हैं। ये रहे हमारा चूल्हा, मम्मी से मैंने बनवा लिया था, मैं कि मम्मी बना देना हम बाहर बनाएंगे, क्योंकि गैस कितना ज़्यादा जलाएंगे। हम लोग आते हैं तो 3-5 कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ये पूजा यहाँ पर रखते हैं ना, यहाँ गीला है, ये तो सही है, ठीक है, यहाँ सारा इंतजाम मम्मी करके देगी, लकड़ी उकड़ी ला के फिर हम बनाएंगे, क्योंकि पता नहीं है मुझे ना कहाँ कहाँ क्या है लकड़ी उकड़ी। हाँ बस इतने में तो बहुत सारी मैगी बन जाएगी, 10 किलो बन जाएगी मैगी। डालेंगे मैगी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल, प्योर 100% शुद्ध घर का फेराया हुआ, बस इतना तेल ज्यादा है ना भाभी, बस इतना मिर्ची डालिए और ढेर जिन इतनी सारी मिर्ची डाल रखी है, बस ठीक है। और अदरक थोड़ा चटपटा रहेगा ना, मिर्ची थोड़ा ना हद से ज्यादा हो जाए, कुछ नहीं डालेंगे ना हम, बस यही डालेंगे, अदरक लहसुन और ना डालिए। चलो गरम हो गया भैया, आवा भाभी मैगी खाइबू, अच्छा ठीक है, प्लेट लेके आइया भाभी मिली तो भाभी है। बस हो जाए मम्मी, अभी थोड़ी देर में भून दिया है मैगी, पानी डाल दिया है, उबल जाएगा अच्छे से, फिर डालेंगे मैगी। मम्मी करीब बन गल का गया तो लोन बुझाए गए, आग जल रही है, बराबर आग जल रही है, ठीक है अच्छे से थोड़ा उबल जाए पानी ना, फिर डाल देते हैं इसमें। बस पानी देखो ठीक है ना, तो उबाल देती हूँ इसमें अच्छे से, बन गया ले, बन गई मैगी हमारी एकदम से। चलो लेकर चलते हैं अब, इसका करते बंटवारा। चलो इतनी बढ़िया से बेहतरीन मैगी बन गई, थोड़ी सी लिक्विड बनाया है ताकि सभी लोगों को पड़ जाए। मैगी खाइबू, तनी आवा पहले बता मैगी खाइबू, मैगी खा ला ओकरे बदले में हम तोसे एक चीज मांगो, ठीक है ठीक है ना, बताइबो कि ना, हम तो सिखाइबो ना, ठीक है। ये लड़की इतना अच्छा डांस करती है, मैंने बोला मुझे भी सिखा देना इसको, अभी ना मैगी खा के बताऊंगी, फिर गाना लगाएंगे बाबू, फिर नाचेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, मान गई मैगी खाने में, वो ना चला बटर के लिए डांस चला, 6 2 8 9 हाँ ठीक है निकालो ना। तो यहाँ हमारी मैगी सारी सबको निकाल दिया है इसमें, बस चलिए सबको देते हैं और मैगी पार्टी करते खाते हैं ना, दे दो पूजा सबको एक एक लोगों को। भाभी ला लो गल्ला मैगिया, कैसे खाएगो कहाँ से,
कांटा वटा दिख नहीं रहा है हाथ से। हाँ कछु ले बु हन मम्मी के दादा हां ले रे रुमा मिर्ची वाली खा के देखो कैसे बनी है। खा के देखा, खा के देखा कैसन बनल है। ना खा जाता का हो भाभी? ना कैसन बनल बतावा। ऐसे करा, ऐसे काल जाला, मतलब ऐसे अच्छा बहुत टेस्टी बनल है। और दरवाजा तो नहीं लगवा लगता तो अभी तो कैसा बना बाबू? अच्छा ना, कर तो खत्म हो गया ला, तो खा भी लू फिर रोटी खोजत रहनी। रोटी घर में बना ले तो टेस्टी बना तो मैगी ना। का पूजा तो हम लोगों की मैगी पार्टी हो गई, सब लोग खा के एकदम खुश हो गए। अब बस अब दूसरे दिन किसी और दिन पार्टी करेंगे ना भाभी। अब एक दिन सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सभी लोग आएंगे ना शादी में, तब देखेंगे कुछ बनाएंगे ना। बहू जुटी है तो पैसा लगाइए ना, काले अपन सारे सारे पैसा मिला के लगाओ, बनाते हैं कुछ। हम लोग पार्टी अपनी करेंगे, लोग बारात जाएंगे तो हम लोग पार्टी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए तो हस्बैंड जा रहे हैं अपने घर, अपने गांव जा रहे हैं, और प्रिंस जा रहा है, इनको रोड तक छोड़कर आ जाएगा और वहाँ से वो बस वस करके चले जाएंगे। और इस बार मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि शादी है और हमें ज़्यादा दिन तक रुकना नहीं, और यहाँ पे भाई की शादी है तो यहाँ पर मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो ये जा रहे हैं सबसे गाँव में, वहाँ पर मिलकर आ जाएंगे। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 3:30 हो रहा है, शाम होने वाली है और हम लोग आ गए हैं खेत में। और आज ना धान है ना, ये देखिए तो धान का बिया निकालना है और धान बोना है। तो हमारे यहाँ पे ना संडा बोया जाता है, धान की जो खेती होती है ना संडा बोया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं ना 2 बार धान को लगाना पड़ता है। तो एक बार हो गया है, 1-2 बित्ते का हो गया, अब उसको निकाल के ना थोड़ा सा जगह पे ना थोड़ा थोड़ा दूर दूर पे बो देंगे, उसको रोप देंगे, रुपाई कर देंगे। 25 से 30 दिन में जब वो तैयार हो जाएगा ना, तो उसके बाद जाके पूरा खेतों में रोपा जाएगा, तो उसे कहते हैं संडा बोना। तो बस आज जो है कि हमें लगाना, क्योंकि धान ना धान के बिया बड़ी हो गई है। तो ये देखिए मम्मी ने खेत बना दिया, सबसे पहले हमें ना खेत जो है ना पानी डाल गया है। अब इसको ना हेंगा से ना बराबर करना है, बराबर कर देंगे फिर इसको बिया निकालेंगे, फिर रोपना स्टार्ट करेंगे। तो निखिल को लेकर आई हूँ, मैं कह चलो तुम्हें भी सिखाते हैं, मैं भी सीखूंगी तुम्हें भी सिखाते हैं। ये आ रहे हैं मजदूर, प्रिंस आ रहा है। मम्मी बहुत गुस्सा हुई है तुम्हारा, मैं कहीं रहने तो मम्मी हम लोग करते हैं। धूप एक्चुअली धूप बहुत तेज वाली लग रही है, बहुत तेज धूप है, लेकिन हवा चल रही है तो पता नहीं चल रहा है। ये देखिए मिट्टी जो निकली है ना सारी, तो इसको ना ऐसे ना पैर से ऐसे बराबर कर देंगे पहले। बड़ा मजा आ रहा है। मैंने अपना पायल निकाल दिया है और ये ना ऊपर कर लिया है अपना पजामी, गंदी हो जाएगी। ये देखिए निखिल, मजा आ रहा है निखिल? लौट जा निखिल, कोई प्रिंस घिसरा देते हैं इसको ही, इसको चलो मामा के साथ लगो, इसको बैठाओगे? अरे क्या हो गया, बैठ जा बाबू, घीच प्रिंस तू बे, आओ निखिल। अरे पहले हम छोटे रहते थे ना, तो नाना हमें बैठा के ऐसे घीचते थे खेतों में। कम ऑन मम्मी, यस यस, मैं भी बैठ जाऊँ इधर। फ्रेंड्स अभी जो है ना कि धान का जो खेत है ना वो बन गया, बराबर हो गई है मिट्टी, थोड़ा सा हमने किया है और अभी प्रिंस अच्छे से कर दिया है। और बस यहाँ पे बैठ गई हूँ बिया निकालने के लिए, तो मम्मी गई हैं अभी, तो मम्मी के साथ बिया निकलवाऊँगी मैं, और उसके बाद जो है कि रोपना होगा। तो चलिए बिया निकाल लेते हैं, और इसको ना ये देखिए मैंने ना ये देखिए पूरा जड़ से ऐसे निकालना है। तो थोड़ा ना खेत ना ये जो धान का बिया जिसमें डाली है ना, तो थोड़ा सूखा लग रहा है, तो मम्मी कह रही थोड़ा सा ना पानी इसमें छिड़काव कर देती हूँ,
थोड़ी मिट्टी फूल जाएगी ना तो बहुत ही अच्छे से निकलेगा। और मैंने लगा लिया छाता क्योंकि इतनी तेज वाली धूप हो रही है, धूप तो दिन भर रहती है ना, तो अभी थोड़ा देर में छांव हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। अभी जो है कि निकालते हैं बिया, बिया निकालने लगे हैं, मम्मी भी लगी हुई हैं, हम मम्मी लगे हुए हैं तो देखते हैं आधा निकाल देंगे ना मम्मी, आधा खेत का निकाल लेंगे, आधा निकाल के आधा रोप भी देंगे, फिर आधा देखेंगे तो कल सुबह रोप लेंगे। ऐसे निकालते हैं, ये देखिए पूरा जड़ से, तो मैं निकाल के मम्मी को दे रही हूँ, मम्मी बांध बांध के रख रही हैं, देखिए यहाँ पे ना सारा रख रही हैं मम्मी, किसी के अंदर बैठ जाती हूँ, पटरा लेकर आई हूँ। पूरे खेत में सिर्फ मम्मी एक इकलौती इंसान है जो रोप रही है, इधर रोपना कहते हैं, रोपना कहते हैं। कौन सी दवा है मम्मी? यूरिया। मम्मी अभी दवाई डालने लगे हाँ, डाई है, डाई डाल रही है मम्मी दवाई इसमें धान में, ताकि हमारा धान अच्छे से हो जाए और ख़राब ना हो बीए सारा इसका। हे गाइस, तो अभी हो गई है शाम हो गई है और बिया जो है लगभग जो है ना कि निकाल लिए हम लोग, आधे से ज़्यादा निकाल लिए हैं और अभी ना अभी जो है कि रोपना चालू कर दिए हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने मम्मी ने थोड़ा सा रोपा है, भाभी आ रही हैं, ये देखिए बड़ी मज़ा होता है इनके हिलैया में, गाना गा रही हैं ये, हाँ हिलैया में मज़ा आ रहा है इनको, तो अभी अच्छे से इनको फिर हिलैया में मज़ा दिलवाते हैं, पहले रोप लेते हैं पूरा आधा हो जाता है ना फिर उसके बाद। तो चलिए अब आप देखिए भाभी हैं, मौसी हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना शाम को, शाम को बहुत अच्छा, जब हम लोग उखाड़ने के लिए बीज आए थे ना इतना तेज वाली भयंकर वाली धूप थी ना, बट अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बकरी पकड़ ये वाली गुलाबी वाली पकड़ 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 बांध दे, बांध दे कोटी से खिला पत्री, मार मार रात टाइम हो रहा है 8 बजने वाला है और धान जो है ना कि थोड़ा सा रुक गया है, थोड़ा सा रोपना बाकी है, तो वो जो है कि कल मॉर्निंग में मिलकर सभी लोग रुपवा देंगे, मम्मी हम लोग भाभी भी रोप लेंगे। और बस अभी आई हूँ, नहाई हूँ, हेयर भी वॉश कर लिया, गंदा हो गया था, सुबह धुला था लेकिन पूरा मिट्टी मिट्टी से लग गया था, तो फिर जो है कि धो लिया और अब भी जो है कि आराम से बैठूँगी अब मैं। और यहाँ देखो ये सारे छुटकू मुटकू, ये पूरा ये देखो इधर ना, ये देखो पूरा इतने टाइम आके फूल धमाल करते हैं, इतना कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये देख देख चलो अपना अपना अच्छा नाम बता दो, अपना अपना नाम बताओ फटाफट। अंशुमन, मेरा नाम है रोशनी, रोशनी किसका नाम है मेरा, आपका क्या नाम है बेटा? इसका नाम रोशनी। अरे अनुराग नाम है, बाबू को पहचान रहे हो? बहुत छोटा था जब पिछली बार आए थे तो एकदम छोटा सा था ये, अब इसकी बहन इसके जितनी हो गई है, ये थोड़ा चलने लगा, अब तो बोलता है बहुत ही, लेकिन बड़ा शर्माता, आता नहीं है जल्दी, अभी बच्चे खेल रहे हैं ना तो आके खेल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं करूँगी रेस्ट, पूजा बना रही है खाना, खाना बनाएगी, खाना खाएंगे और अभी तो मैं बैठूंगी, अब मुझे कोई काम नहीं करना है, पूजा खाना बना रही है। चलिए आज का ब्लॉग यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।